देश की सांस्कृतिक विरासत को अपने कंधे पर धोने का संकल्प लिए ये हैं यामिनी कृष्णमूर्ति के छात्र। दक्षिण भारत के मंदिरों से निकले भरतनाट्यम को यामिनी ने एक आंदोलन के रूप में शुरू किया था, वह आज भी जारी है। हमारा तो एक मूवमेंट है, जितने आ सकते हो आ सकते हैं, और अभी हम अंडर प्रिविलेज को भी सिखा रहे हैं, वो भी 30-40 स्टूडेंट्स है जो कभी भी नहीं सीख सकते हैं। सो हम सबको एक एक घर में एक डांसर बनाना चाहती हूँ, ये मेरा इरादा है। यामिनी के 28 शिष्यों ने पिछले दिनों दिल्ली में एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उनके शिष्यों का यह कार्यक्रम अपने गुरु की गरिमा के अनुकूल था। यामिनी की एक विदेशी छात्रा ने तो अपने नृत्य से दर्शकों को सम्मोहित सा कर दिया। उसके पथ संचालन यूरोपीय बैले से थे, लेकिन यामिनी ने बताया कि यह भरतनाट्यम का ही हिस्सा है। ये तो भरतनाट्यम ही हो सकती है, क्यों जितना जो हमारा करनास थे उद्दंड पाद जो कुछ जो मुश्किल जो तांडव के जो एस्पेक्ट्स थे वो लेडीज नहीं कर पा रहे थे, करना नहीं चाहते थे हमारे लेडीज, इसलिए ये वो बैलेरीना के जो कुछ करना था वो शायद हमारा ही गया होगा बैले में भी। पहले की गुरु शिष्य परंपरा से अलग यामिनी अपने छात्रों को पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए उत्साहित करती हैं, लेकिन नृत्य प्रदर्शन के स्तर से कोई समझौता नहीं करती, यह उनकी खासियत है। सुबह सवेरे मैं कुमार गिरीश।